सुंदर है। मुझे नीला रंग बहुत पसंद है और मुझे एक नीला केक मिला है, इसे कहते हैं किस्मत। और मुझे गुलाबी रंग पसंद है जो सभी लड़कियों को पसंद होता है, और मेरा केक गुलाबी है स्ट्रॉबेरी के साथ। वाह, कितना सुंदर और बड़ा केक। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे काला केक क्यों मिला है। आशा करता हूँ कि यह स्वादिष्ट हो। यह तुम बाद में पता कर लेना, क्योंकि मैं पहले खाना चाहती हूँ। मेरे केक को गमी आइट से सजाया गया है, इसे पहले खेल सकते हैं और फिर इसे खा सकते हैं। कितना बढ़िया है। जब तक तुम खेल रही हो, हम कुछ गमी तुमसे चुरा सकते हैं। अपने हाथ हटाओ। तुम्हें मेरे केक को छूने की इजाजत किसने दी? और मेरी आँखों को? हिम्मत भी मत करना। ठीक है, चिल्लाओ मत। मैं अपने केक और कैंडी को खुद संभाल सकती हूँ। ये तुम्हारे मुंह में जाते ही गायब हो जा रहे हैं। इसे कहते हैं स्पीड, क्योंकि इसका स्वाद बहुत अच्छा है। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि कितना। देखो, अब मेरे पास अंतिम आग बची है। क्या इतनी जल्दी खा सकना संभव है? देखो, लगता है मेरी तीसरी आंख है। यह सच में असली की तरह लग रहा है। कितना अच्छा। खैर, अब आंखें खत्म हो गई हैं, अब केक की बारी है। कितना स्वादिष्ट क्रीम है, मुझे ये खाना ही है। इसे छोड़ा नहीं जा सकता। ओ, इसे देखकर मेरा सिर घूम गया। बस हो गया, सारी फ्रॉस्टिंग खत्म हो गई। यह तुमने क्या किया, बेचारा केक। अब बस केक का भूरा बोरिंग हिस्सा बचा हुआ है, अब इसे हटाया जा सकता है। अब सूजी का हो चुका, इसका मतलब मेरी बारी। आशा करता हूँ कि केक का यह रंग किसी भी तरह उसके स्वाद को प्रभावित नहीं करेगा। वाह, यह केक वास्तव में स्वादिष्ट है, बहुत बढ़िया। हाँ, पर तुम वो काले ब्रोकली को क्यों छोड़ रहे हो? क्योंकि मुझे वह पसंद नहीं है। मेरे पास पर्याप्त स्वादिष्ट केक है। यह तुम क्या कर रहे हो? असल में तुम्हें जो कुछ भी मिला है, तुम्हें वह सब खाना होगा। सूजी, मुझे परेशान मत करो, मेरा पेट भर गया है। तुम्हें यह खाना ही होगा। नहीं, मुझे अब नहीं खाना। अगर तुम्हें खुद से नहीं खाना है तो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। देखो मेरे पास क्या है, अब मैं तुम्हें खिलाऊंगी। नहीं, मुझे नहीं खाना। देखो, हवाई जहाज आ रहा है, मुंह खोलो। ओह, अपने हाथ गंदे करने की भी जरूरत नहीं है। छी, इसका स्वाद कितना गंदा है। एक और मम्मी के लिए। बस हो गया, ये बहुत बेकार है, मुझे ब्रोकली पसंद नहीं है। आखिरकार अब मैं अपना केक खा सकती हूँ। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, उन ब्रोकली के लिए मैं मैरी से बदला लूंगा। छी, तुम्हारे केक से इतनी बदबू क्यों आ रही है? क्या सच में इसे बदबू आ रही है? ऐसा होना तो नहीं चाहिए। तुमने ये क्या किया? क्यों? वाह, अब तुम्हारे पूरे चेहरे पर स्ट्रॉबेरी है और फ्रॉस्टिंग भी। तो क्या ये अभी भी स्वादिष्ट है? ओ हाँ, तब फिर ठीक है, शायद हम भी इसे खा सकते हैं। किसी हाल में नहीं, मैं यह सारा खुद खाऊंगी। खैर, हम सिर्फ इंतजार कर सकते हैं। यह सही नहीं है। वाह, कितनी छोटी सी सुंदर सी चीज है। बस यह समझना बाकी है कि यह कैसे काम करता है। मुझे पता है ये कैसे काम करता है, ये साधारण गम मशीन है। मुझे भी गम मशीन मिली है, पर यह काफी बड़ी है। जब तक जैक अपनी मशीन से गले मिल रहा है, मैं अपने मशीन से कैंडल निकालने की कोशिश करती हूँ। हुर्रे, मैं किस्मत वाली हूँ, पहली बार में ही जैकपॉट। यह मस्त है। लेकिन मशीन ने केवल एक गम ही क्यों दिया?
मुझे और चाहिए। मैं फिर से कोशिश करती हूँ। उफ़, ये बेवकूफ मशीन, ये काम ही नहीं कर रहा है। अब क्या करूँ? मैं गम कैसे निकालूँ? बस हो गया, मैं इस मशीन को हथौड़े से तोड़ दूंगी। ये हथौड़ा है, ये तो टूथपिक लग रहा है। तुम्हें ये मजाक लग रहा है? तो अभी इस भारी हथौड़े के बारे में क्या ख्याल है? तो अब बाय बाय गम मशीन, हेलो च्युइंग गम, सब ठीक है। अब मुझे और तरसना नहीं होगा, मैं बस इन च्युइंग गम को खा सकती हूँ। ये कितने स्वादिष्ट है, कितना स्ट्रेची है ना ये। अच्छा, वाह, बहुत बढ़िया। सूजी के गम इतने स्वादिष्ट लग रहे हैं, इसलिए मैं भी अपने गम अपनी वेंडिंग मशीन से जल्द निकालना चाहती हूँ। हालांकि मुझे अब तक समझ नहीं आया कि यह कैसे करना है। मुझे लग रहा है कि यह मुश्किल है। तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम्हें इसे धीरे धीरे और बहुत सावधानी से करना होगा। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। धीरे धीरे प्रत्येक कैंडी हमारे पास आने के लिए इस छेद में गिरना चाहिए। बस हो गया, जैक ने फिर सभी को बचा लिया और इसके लिए वो पुरस्कार का हकदार है इन च्युइंगम के रूप में। जी नहीं, मैं इसे तुम्हारे मदद के बिना भी ठीक से संभाल सकती हूँ, इसलिए यह लो। वाह, गम खाने का कितना सुविधाजनक तरीका है। कोई हाथ गंदे नहीं, किसी मशीन से छेड़छाड़ नहीं, बस एक जैक चाहिए। क्या तुम मुझे इस तरह से धन्यवाद कर रही हो? खैर ठीक है, मेरे पास भी बहुत सारे गम हैं। बस मुझे उसमें एक सिक्का डालना है और तुरंत गम मेरे हाथ में। वाह, देखो कितने सारे च्युइंगम बाहर आ गए हैं। लेकिन अभी भी उस गेंद में काफी है, मेरे पास लंबे समय के लिए पर्याप्त स्टॉक है। दोस्तों, सभी के पास च्युइंगम थी, पर किसी ने बबल बनाने के बारे में क्यों नहीं सोचा? मुझे पता है, क्योंकि तुम लोग निश्चित रूप से हारोगी। मेरा बबल बहुत बड़ा होगा और अब मैं इसे साबित करूंगा। लगता है बबल बहुत बड़ा हो गया। देखो, जैक उड़ रहा है, उसे पकड़ो, नीचे खींचो। बचाओ! ओ, ओ, ये मजेदार था। लगता है हमारा अंतरिक्ष यात्री वापस पृथ्वी पर आ रहा है। हाँ, 5 मिनट की उड़ान अच्छी थी। जैक, तुम बहुत मजाकिया हो। पेन, पर ये क्यों मिला है? मुझे खुद नहीं पता, मुझे भी कोई अंदाजा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इन बॉल के अंदर कुछ स्वादिष्ट हमारा इंतजार कर रहा है। चलो पहले मुझे पहले पता करने दो कि इसमें क्या है। वाह, यह कोई साधारण कैंडी नहीं है, बल्कि स्कीटल्स कैंडी है और बहुत सारे भी। मैं एक ही बार में सारी कैंडी खा लेना चाहती हूँ। ओ यार, ये बहुत स्वादिष्ट है। जैक, अब तुम्हारी बारी। हाँ, बॉल पर जो लिखा हुआ है उसे देखकर तो लग रहा है कि चॉकलेट सिरप मेरा इंतजार कर रहा है, और यह वॉफल के साथ सबसे अच्छा लगता है, तो मैं अपना वॉफल तैयार कर लेता हूँ। सब मेरे ऊपर क्यों गिर गया? लगता है तुमने वॉफल के साथ गलती की है, तुम्हें इसे बाई तरफ रखना चाहिए था। यह कोई हंसने वाली बात नहीं है, तुम्हें पता है अभी क्या होने वाला है? अब मेरे पास एक अच्छी चॉकलेट मूछें होंगी। हाँ, एक बच्चे की तरह और शायद बिल्ली की तरह। हमें जरा भी हंसी नहीं आ रही है। ओह चलो, तुम लोग बहुत बोरिंग हो। अच्छा होगा मैं अपना वॉफल खाऊं। मैं क्या करूं?
अगर मैं बॉल में छेद करती हूँ तो फैंटा मुझ पर गिरेगा। मुझे लगता है बॉल से सीधे फैंटा पी सकते हैं। इस तरह से बहुत अधिक सुविधाजनक हो जाएगा और स्वादिष्ट। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, मेरे फैंटा से दूर रहो। लालची, उसे सबक सिखाना जरूरी है। बिल्कुल, यह आइडिया सही रहेगा। ये तुमने क्या किया? मैं पूरी तरह से चिपचिपी और गीली हो गई हूँ। अगली बार से इतनी लालची मत बनना। अब लड़कियों को इंतजार कराने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अब शुरू करते हैं। एमा और जैन अब शुरू करने के लिए और इंतजार नहीं कर सकते। स्ट्रॉबेरी और लाल मिर्च, जैन यह तो काफी मुश्किल होगा। अब एमा वह तो सातवें आसमान पर है अपने ताजा स्ट्रॉबेरी के साथ। और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वह जोड़ी तो अद्भुत है। जैन, ईर्ष्या करने से कुछ नहीं बदलेगा। मैं बस ऐसा सोच लेती हूँ कि मेरे पास भी बेरीज हैं, बस ये थोड़े तीखे निकले। नहीं, मैं तुमसे नहीं डरती। आप जाओ तुम फव्वारे में। हर चीज जब चॉकलेट में ढक जाती है तो अच्छा होता है। रुको, कोई मदद करो, मेरा मुंह जल रहा है। मुझे कुछ चाहिए, कुछ भी। अच्छा शिष्टाचार है जेन। मेरा मतलब है कि मुझे समझ आ रहा है कि वह तीखा है, पर तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारे गालों पर कुछ ज्यादा ही चॉकलेट लगे हुए हैं? मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अरे पागल मत बनो। एमा इस बार भाग्यशाली नहीं निकली। नींबू, उफ। पर जैन को ओरियो मिले हैं। चॉकलेट से ढके चॉकलेट कुकीज बुरा नहीं है। एमा की आंखों में आंसू आ गए हैं। वह जानती है कि उसके लिए क्या रखा है और यह बहुत ही खट्टा है, लेकिन वह इससे बच नहीं सकती, उसे यह खाना ही होगा। पर एमा खुद ही एक कठोर लड़की है और जरा देखो वह क्या कर रही है। वाओ! वो कैसा जादू था? और वो चमकदार तरल पदार्थ क्या है? क्या वह सोना है? जेन अपने ओरियोस को उस जादुई फाउंटेन के इस तरल में डुबोने के लिए उत्साहित है। निश्चित रूप से यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि वह उतना ही स्वादिष्ट है जितना कि वह दिख रहा है, पर यहाँ उम्मीद तो की ही जा सकती है। जेन अपनी पहली कुकीज को उसमें डालती है। अब तक सब अच्छा है, शायद इसके बारे में डरने वाली कोई बात नहीं है। नहीं, पर दूसरे वाले ने स्पष्ट कर दिया कि अब बहुत ही भयानक रूप से खट्टा है। ब्रोकली और डोनट्स, वैसे ये दोनों समानांतर विरोधी हैं, पर निश्चित रूप से दिलचस्प हैं। एमा पीड़ित है, पर जेन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है, जबकि उसे पहले ही इस तरह के स्वादिष्ट पेस्ट्री मिल गई हैं। पर एमा चालाक है और वो चीजों को बदलने जा रही है। ब्रोकली, तो ठीक है, यह तो एक विकट समस्या है, पर सभी आशा खत्म नहीं हुई है। बहुत अच्छा। कितना स्वादिष्ट। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यह इतना स्वादिष्ट हो सकता है। क्या तुम्हें खाना है जेन? यह एक बिल्कुल ही असामान्य सा स्वाद है, क्या हम इसे बदल लेंगे? बहुत अच्छा, तुम्हें इसका कोई पछतावा नहीं होगा। हाँ, वहाँ से वो बहुत सारा चॉकलेट लो और तुम्हें बहुत आश्चर्य होगा, मैं वादा करती हूँ। OMG, तुमने वो लिया? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने वास्तव में सोचा था कि यह अच्छा हो सकता है। ओ जैन, तुम्हारे साथ रहना हमेशा ही मजेदार होता है। और अब मेरे डोनट। कोई भी कभी भी यह नहीं कह सकता कि यह स्वादिष्ट नहीं है।
कोई अदला बदली नहीं। माफ करना दोस्त, यह ऐसा ही है। वाओ, यस। ओ, स्वादिष्ट गमीज और उबले हुए अंडे। बहस का कोई सवाल ही नहीं है कि यहाँ भाग्यशाली कौन है। लेकिन अरे शायद एमा अपनी डिश से बचने का कोई और तरीका लेकर आ जाए। ओह, गमी आंखें या डरावनी दिख रही हैं, लेकिन स्वाद, आखिरकार जैन कुछ स्वादिष्ट खाती है। और कोई सवाल ही नहीं है कि वो उनमें से किसी को कुछ दे। वो प्रत्येक का आनंद लेने वाली है। एमा के पास बड़ी उलझन है, अंडे। खैर, उसे खाने के अलावा कुछ नहीं बचा है। छी, उसे चॉकलेट में कवर करके खाना उसके स्वाद को बदतर बना रहा है। एमा संघर्ष कर रही है, यह स्पष्ट है, लेकिन वाह, उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने सारे अंडे खाकर अपने आप को साबित कर दिया। वाओ, वाह, अब आगे हमें फ्रेंच फ्राइज और पाउडर रॉक गुलाबी कैंडी मिले हैं। अब जबकि फ्राइज बहुत ही बढ़िया है, मुझे नहीं लगता कि उसे चॉकलेट में डुबाना कुछ अच्छा विचार है। कैंडी के साथ एमा का कैसा चल रहा है? यह तो बहुत ही लजीज लग रहा है। बेशक इस चीज को अपने दांत तोड़े बिना खा पाना असंभव है। उफ, शायद उसने ज्यादा ही कोशिश कर ली। बेचारी जेन, उसे बिल्कुल आंखों के बीच में चोट लगी है और जो चॉकलेट वहाँ लग गई है वो वास्तव में आईब्रो की तरह दिखने लगा है। आप हंसी के लिए एमा को दोषी नहीं ठहरा सकते, यह है ही मजेदार। जो भी हो, इसकी परवाह कौन करता है। मुझे हाथ में लिए गए अपने काम पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ईमानदारी से कहूँ तो मैं इसके लिए उत्सुक नहीं हूँ, पर मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं है। ओह, यह वास्तव में अच्छा है। मुझे अपने टेस्ट बर्ड्स पर विश्वास नहीं हो रहा है। क्या वे परेशान हो गए हैं? Yeah. मैं तो कहती हूँ कि या तो कुछ बड़ा करो या कुछ ना करो। अरे, क्या मुझे और फ्राइज मिल सकते हैं? छी, यह कैसी महक है? ओह, यह जेन के प्लेट की बदबूदार चीज की गंध है। उसे ईर्ष्या ना करें। एमा को क्या मिला? मार्शमेलोस? वह उनके लिए एक अनोखा तरीका अपनाने जा रही है। यह सबसे गाढ़ी हॉट चॉकलेट है जो मैंने कभी देखी है। वो वास्तव में कितना पी पाएगी यह पता लगाने की उसकी इच्छा है। यह एक चॉकलेटी सपना है। जबकि वो अपने मुंह में पानी लाने वाले विचार का आनंद ले रही है, जेन अपने विचारों में उलझी हुई है। उसने महसूस किया कि इस चीज का बदबू ही सबसे खराब हिस्सा है। इसके बिना यह चीज पूरी तरह से खाने योग्य है। हाँ? और एमा के अंतिम दो मार्शमेलोस केवल वही चीजें हैं जिनकी उसे आवश्यकता है। जब तक वो चॉकलेट का ज्यादा उपयोग कर रही है, वो उस दौर में बनी हुई है। यह चॉकलेट बहुत मीठी है, पर वो उसे अनदेखा करने के लिए तैयार है। बस अगर उसे के खत्म होने से पहले एमा को समझ ना आ जाए कि उसके आखिरी दो मार्शमेलोस कहाँ गए। छी।
क्या कोई और भी इस दौर के लिए उत्साहित है? Yes. वाह, बहुत सारा गम और हॉट डॉग। उनके चेहरे से सब समझ आ रहा है ना? वह सारा गम तो अकेले ही अद्भुत होता, लेकिन एक बार जब वे चॉकलेट के परत में डूब जाए तो वह उतने ही स्वादिष्ट होंगे। क्या जब वो एक बबल फुलाएगी तो क्या वह चॉकलेट का बना होगा? बस देखो एमा, जेन को कैसे तीखी नजर से देख रही है। हरा रंग तुम पर अच्छा नहीं लगता है। वाह, यह बबल तो सच में चॉकलेट का बना हुआ है और कितना बड़ा भी है। यह शर्त लगा लो कि आपने ऐसा पहले कभी नहीं देखा होगा। वाह, जेन को इसे काटने से पहले दो बार सोचना चाहिए। बैम, यह थी बड़ी सी कोको बिस्फोट। लेकिन लगता है जेन को मजा आया और वो इसे दोबारा दोहराने के लिए तैयार है, और इससे एमा भी खुश हो गई। खैर, यह नहीं होता जब मैं अपने लिए चुनती, लेकिन अगर यह करना है तो सही सही करो। एक असली हॉट डॉग को तो केचप के बिना नहीं खा सकते, या शायद चॉकलेट। मैं कल्पना कर सकती हूँ कि कितना भयानक होगा। मुश्किल से ही सही, पर मैंने ये कर लिया। चुनौती संतुलित रहती है जब एक बहुत अच्छा आइटम और दूसरा उतना नहीं। सुशी, मछली और चॉकलेट कभी एक दूसरे के साथ खाने के लिए नहीं बना है। इस दुनिया में कोई भी इस जोड़ी को आनंद नहीं ले सकता है, जेन भी नहीं। लेकिन यह सबसे मुश्किल चुनौती से भी हार नहीं मानती। यह घिनौना लग रहा है और किसी तरह से भी इसका स्वाद अच्छा नहीं होगा। एमा को अपने चिप्स से काफी उम्मीदें हैं। थोड़ा कुछ मीठा और नमकीन है ना? एमा को अपने व्यंजन पसंद आया। वह इसमें इतना घुस गई थी कि उसे खाते खाते अपने आप को एक चॉकलेट मुस्कान दे दी। यह तो बहुत जल्दी हो गया। नहीं, उसे इतनी आसानी से नहीं रोक सकते। उसके अपने हथियार जो है उसका बड़ा चिप्स उसे निकाला। वाओ, चलो अब उसे फव्वारे में घुसाओ लड़की। एमा ने अपनी चिप से अपनी नजर एक सेकंड के लिए हटाई और जेन उस पर एक पल में टूट पड़ी, और अब यह युद्ध शुरू हो गया। एमा, तुम अपना ध्यान कभी नहीं हटा सकती जब स्वादिष्ट भोजन तुम्हारे टेबल पर हो या तुम्हारे हाथ में। गति इस दौर में विजेता का फैसला करेगी, और वह बड़ा सा चिप्स उतनी ही जल्दी गायब हो गया जितनी जल्दी वह प्रकट हुआ था। बस कोई तो निश्चित रूप से उत्साहित है। जेन तो हर तरफ देखकर मुस्कुरा रही है। एमा उसकी खुशी नहीं समझ सकती है। उसे जेन की तरह छोटे चॉकलेट चम्मच नहीं मिले हैं, जिसे वो और भी चॉकलेट में डुबो सकती है। अरे नहीं, उसे तो कुछ बहुत गंदा मिला है। छोटे ऑक्टोपस या छोटे चीजें चॉकलेट में ढके हुए प्यारे दिख सकते हैं, लेकिन इसका स्वाद तो बहुत बुरा होगा। लेकिन किसी भी हाल में एमा को यह खाना होगा। वो अपनी नाराजगी को छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी यकीन नहीं कर रहा है। खैर, मैं भी नहीं। आप क्या सोचते हैं? छी, कितने अद्भुत चम्मच हैं यह। एकदम लाजवाब लग रहे हैं। वाह, यह तो बहुत स्वादिष्ट होने जा रहा है। एमा, कितने अफसोस की बात है कि तुम्हें यह नहीं मिले। मैं इन्हें अंदर लंबे समय तक छोड़ूंगी।
सुनिश्चित करने के लिए कि इस पर अच्छे मात्रा में चॉकलेट लग जाए। यह एकदम जादुई होने जा रहा है। रुको, यह क्या है? यह मेरे मुंह में कैसे गया? एमा, तुम फिर से? अपने बेकार शरारते बंद करो। यह तुम्हारा है, तुम खाओ। कितनी गंदी है।